Hey guys, what's up? This is Shatik and आप सुन रहे हैं ब्रेन्स की बात। हम हर एक एपिसोड के इंडिविजुअल एपिसोड्स के लिए एक एक करके रिकैप वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि अपलोड होने वाले हैं हमारे चैनल में इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, यू हैव टू सब्सक्राइब टू अस एंड यू हैव टू हिट द बेल आइकन, तभी आपको पता चलेगा एज सून एज वी अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड फाइनली हम आपके लिए लाने वाले हैं द एंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर सीजन एज वेल एज हम एक कंप्लीट टाइमलाइन जो सीजन 3 के अंत तक होने वाला है उसके लिए कुछ ब्रेकडाउन्स, व्हाट द फॉक्स एंड वी आर गोइंग टू मेक सो मेनी वीडियोस ऑन दिस शो गाइस। तो बिना किसी देरी के अभी हम ये जो एपिसोड है उसका रिकैप रिव्यू शुरू करते हैं। नाउ इस एपिसोड का नाम इज अगेन एडम एंड ईवा। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसके पहले एपिसोड्स में एडम और ईवा कौन थे। बेसिकली एडम और ईव आर सपोज टू बी द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स, तो वही पहले ह्यूमन बींग्स थे जो धरती पे आए थे एंड उन्हीं से पूरा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो उन्हीं से आके उन्हीं के डिसेंडेंट्स हिसाब से पूरा ह्यूमन सोसाइटी आया है। तो वही फर्स्ट मेल एंड फर्स्ट फीमेल ह्यूमन बींग्स थे एंड बेसिकली उसका स्टोरी हमें बाइबल में देखने को मिलता है। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि एडम और ईव जो है वो इस पूरा जो कंफ्यूजन है, जो टाइम ट्रेवल सागा है, उनके सेंटर में है वो। तो उन दोनों को हम यहाँ पर एडम और ईव के नाम से पुकारते हैं। इवन देयर इज अ इंटरेस्टिंग थिंग विच आई वांटेड टू शो यू। इस एपिसोड का जो टाइटल कार्ड है उसको अगर आप केयरफुली देखें तो यहाँ पर कुछ नोटिस कर सकते हैं। कैन यू सी एनीथिंग? वेल इफ यू कांट देन जस्ट लेट मी टेल यू, इस पिक्चर में, इस फोटो में आप डी और वी के पोजीशन को थोड़ा देख, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? वेरी क्लेवर ऑन द पार्ट ऑफ द एडिटर्स। सो थर्ड एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कैरेज में वो ओल्ड ब्लाइंड मैन थैनोस जा रहे हैं एंड उसके पास एक वॉच है। जो वो वॉच खोलता है तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर फॉर शार्लेट लिखा है। देन हम देखते हैं कि कैरेज थोड़ा शेक होता है एंड इवेंचुअली द मैन एंटर्स। नाउ दिस इज द सेम मैन जिसको हम लास्ट दो एपिसोड्स में देखे हैं, वो घूम रहा है थ्री जनरेशन, अपने तीन जनरेशन के साथ, जिसको हम थ्री मस्केटियर्स पुकार रहे थे। एंड बेसिकली वो अपने बुढ़ापे और बचपन के साथ अलग अलग टाइम पीरियड में जा रहा है और लोगों को कत्ल कर रहा है एक लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्वियसली उसके बारे में बाद में हमें पता चलने वाला है। तो बेसिकली व्हाट ही डज इज ही आस्क थैनोस मैन कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बेसिकली हमें पता चलता है कि थैनोस एक्चुअली में एक टेलीग्राम करने को जा रहा है जिसमें वो टाइम ट्रैवल के बारे में सारा वर्ल्ड में पब्लिश हो यही चाहता है, क्योंकि उसके जो फादर थे उसने पूरा लाइफ टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए लगा दिया। एंड बेसिकली अभी जब अपने ओल्ड एज में जाके वो कुछ टाइम ट्रैवलर्स के संस्पर्श में आया है, वो चाहता है कि पूरा वर्ल्ड जाने कि उसके डैड गलत नहीं थे। वो अपने डैड के लेगेसी को ऑनर करने के लिए ऐसा करना चाहता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि फिर से वो अननोन आदमी अपने जैकेट के अंदर से रस्सी निकालता है एंड वो इसका भी कत्ल कर देता है। फिर हम देखते हैं ईवा के वर्ल्ड में प्रेजेंट डे 2019 में उल्रिक पुलिस जो डिपार्टमेंट है पूरा डिपार्टमेंट को ये बताता है कि बंकर में बच्चों ने पिछले रात जो बॉडी देखा था वो और कोई नहीं, मैट्स निल्सन को बहुत ज़्यादा रिसेंबल कर रहा है उसके खुद के भाई का। इवन उसके पास एक आईडी कार्ड है उसका नाम और फोटो देके, एंड हिज बिलोंगिंग्स आर एग्जैक्टली सेम एज हिज ब्रदर यूज टू हैव। एंड बोलते बोलते वो इमोशनल हो जाता है, तब शार्लेट आके उसे संभालती है। फिर उल्रिक कहता है कि एरिक और मैट्स का इस डिसअपीयरेंस में कोई कनेक्शन है क्योंकि वो बहुत ही सिमिलर है। एंड इवन वो ये भी बताता है कि वो शार्लेट के साथ उसका जो चल रहा है उसको वो और कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये हम देखते हैं कि पूरे पिछले टाइमलाइन में जब मिकल खो गया था तो उल्रिक एग्जैक्टली सेम वे में बिहेव कर रहा था। वो भी हैना को ऐसे ही ट्रीट किया था एंड वेरी सिमिलरली इस दुनिया में भी चीज़ें अनफोल्ड होती है। तो ये हमें फिर से वो जो डेटा वो वाला फैक्टर है या फिर दो यूनिवर्स डिफरेंट होके भी इवेंट सिमिलरली अनफोल्ड करते हैं उसका एक छोटा अंदाजा दे ही देते हैं। अब हम लौट के आते हैं एडम के वर्ल्ड में यानी ओरिजिनल वर्ल्ड में। यहाँ पर हम देखते हैं 1888 में बार्टोस लौट आता है मार्था के साथ सब कुछ जानने के बाद और एंग्रीली चार्ज करता है जोनस को कि कैसे मार्था मरी और एडम कौन है, एंड दे स्टार्ट फाइटिंग। इवेंचुअली लड़ते लड़ते वो सच सबके सामने आ जाता है। मैनस और फ्रांचेस्का को भी पता चल ही जाता है कि जोनस ही वो है जो बड़े होके एडम बनने वाला है इवेंचुअली। फिर हम देखते हैं कि ईवा अगेन जोनस को बताती है कि अगर तुम चाहते हो मार्था को बचाने के लिए
एंड इवन पूरा एपोकलिप्स रोकने के लिए, तो फिर तुम्हें लाइट का जो पाथ है वो चूज करना चाहिए। एंड गाइस, डज दैट रिंग एनी बेल? वेल, हम देखते आई हैव थ्रू आउट द शो जोनस हैज बीन कंफ्यूज्ड बाय मेनी पीपल एंड मैनिपुलेटेड बाय मेनी पीपल सेइंग दैट वो अभी जिस साइड में है वो रॉन्ग साइड है एंड उसे साइड बदल लेना चाहिए, क्योंकि यही है जो उसे अपने राइट ऑब्जेक्टिव या फिर सही पाथ में ले जाने वाले है। लेकिन एवरी टाइम इट हैज टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। तो ईवा अगेन उसे होप देती है कि ईवा ही ओनली वन है जो सब कुछ बचाना चाहती है एंड एडम वो है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो बेसिकली जोनस बहुत ही ज्यादा थक चुका है इतना सारा बार बार लोगों के अंडर काम करते हुए, लोगों के बात मानते हुए, लेकिन फाइनली उसे थोड़ा बहुत होप मिलता है इसीलिए वो मान लेता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं उल्रिक घर जाके अपने बेटी मार्था को पूछताछ करता है कि एक्चुअली में बंकर में क्या हुआ था, सच सच बताओ, क्या तुमने किसी ड्रग्स लिए थे, क्या तुम इंटॉक्सिकेटेड हो, क्या ऐसा देखे हो। इवन मैग्नस से पूछता है एंड इवेंचुअली दे बोथ गेट रियली एंग्री एट देयर फादर बिकॉज जब उन्हें उसकी ज़रूरत थी तब वो नहीं थे, वो उन्हें छोड़ के हैना के पास चला गए थे, लेकिन अभी वो आके उनसे पूछ रहे थे कैसे हुआ, क्या देखा उन्होंने। तो इससे उन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है ऑब्वियसली। बेसिकली हम एडम के वर्ल्ड के 1888 में लौट के आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था फाइनली सेंट जोनस को कन्विंस करना की कोशिश करती है कि वो उनका मदद करना चाहती है। इवन उसको वो बताती है कि उसे सिक मुंडूस के बारे में पहले पता नहीं था और वो जोनस को जो टाइम मशीन का फ्लूइड है, रैदर जो प्रोबेबली वो डार्क मैटर है जिसको यूज करते हैं वो लोग टाइम ट्रैवल के फ्यूअल हिसाब से, उसका एक आखिरी रिमेनिंग पॉट दिखाती है। ऑन द अदर हैंड हम ईवा के वर्ल्ड में देखते हैं वो जो अनजान आदमी था थ्री मस्केटियर्स, वो सब आके मार्था से पूछती है कि तुमने जोनस को कहाँ भेजा एंड जोनस के पाथ इवेंचुअली कैसे एंड होगा, वो तुम उसको बता सकती थी। लेकिन ईवा कहती है कि उसके दुनिया में उसकी मार्था जो है, एडम के वर्ल्ड की मार्था, जोनस की मार्था, उस मार्था को मरना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे टू सेव हर एंड दिस इज हाउ दे कैन सेव देयर ओन वर्ल्ड। सो बेसिकली हम देखते हैं मार्था खुद अपना वर्ल्ड को बचाने के लिए ये सब कर रही है एंड अगेन जोनस को कंट्रोल कर रही है। सो दैट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट गाइस। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि हैना जाके अलेक्जेंडर से मिलती है एंड अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल करती है, ठीक जैसे हमने एडम के वर्ल्ड में हैना को करने को देखा था। लेकिन उस वक्त वो पूछी थी कि उल्रिक को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन इस बार वो पूछती है अलेक्जेंडर को कि तुम शार्लेट को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि उसे शार्लेट के साथ उल्रिक का अफेयर ऑलरेडी पता चल गया है। तो वेरी सिमिलर टू द ओरिजिनल वर्ल्ड अगेन गाइज, डेजा वू। देन हम देखते हैं अचानक से हेल्गे जो है वो क्रेजी हो जाता है, सेम चीज जो दोहराता था बार बार, वो अचानक से पुलिस स्टेशन में जाके कन्फेस कर देता है कि उसने ही उस बंकर में जो किड मिला है उसका कत्ल किया है। तो अभी उल्रिक कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वो मैच के बारे में बात कर रहा है या फिर जो लड़का मिला है उसके बारे में, क्योंकि तभी तक उन लोगों को ये पता नहीं होता कि मैच और वो लड़का आर वन इन द सेम, क्योंकि वो अभी तक टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प नहीं कर पाए। देन हम देखते हैं कि जोनस फाइनली मार्था को उसमें मिलता है एंड जब मार्था उसे पूछती है कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, मुझे क्यों जानना चाहिए तुम्हें, तो जोनस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से रह आया हूँ। इवन वो सारे जो डिटेल्स है उनके चाइल्डहुड का, स्पेशली मार्था के चाइल्डहुड के, वो इवेंट्स सारे बताता है, जो हमें पता चलता है कि सारे इवेंट्स जोनस के ना होते हुए भी मार्था के साथ एग्जैक्टली सेम वे में हुआ था, इसीलिए जोनस को वो सब पता होता है एंड इससे मार्था इवेंचुअली उसे ट्रस्ट करने लगती है। एंड हम देखते हैं कि 1888 में रियल वर्ल्ड में जब जोनस फाइनली उस फ्लूइड को देख के अपना टाइम मशीन बनाने की कोशिश करता है टेस्ला कॉइल्स को यूज करके, इट गोज रॉन्ग बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एनफ टू सस्टेन द थिंग दैट विल ओपन द टाइम ब्रिज और टाइम गेट। सो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हमें बाद में पता चलता है कि वो एक डिवर्शन था जो मार्था ने किया था, क्योंकि मार्था उसके बाद भाग जाती है और उसके पास एक बॉक्स में सब बाकी ऐसे पॉड्स भी स्टोर्ड है जिसमें और फ्लूइड है, उसको वो टाइम ट्रैवलिंग रैदर डायमेंशन ट्रैवलिंग जो एपरेटस है वो उस बॉल में डाल के, गोल्डन बॉल को टर्न करके वो वहां से भाग जाती है एंड जोनस एंड अदर्स मिस हर एट द राइट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट वो उसे पकड़ नहीं पाते। तो बेसिकली हम देखते हैं इवन इस मार्था ने भी जोनस को फिर एक बार बुद्धू बना दिया। तो स्ट्रेंजर जोनस कीप्स ऑन गेटिंग फूल्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट हिज लाइफ। तो हम फाइनली देखते हैं 2052 में मार्था लौट आई है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कोई और नहीं, एडम यहाँ पर प्रेजेंट है एंड एडम ही है जिसने 1888 में मार्था को भेजा था। तो मार्था जब जाके जोनस को कहा था कि वो जोनस से पता चला और जोनस को याद नहीं था, तो दैट वाज करेक्ट, नाउ दैट मेक्स सेंस बिकॉज एडम ने उसे बताया था, क्योंकि एडम ने वो ऑलरेडी
एक्सपीरियंस कर चुका है, तो उसको पता था कि 1888 में इस वक्त स्ट्रेंजर जोनस ठहरा होगा, तो उसी के उसको भेजा था मार्था को, एंड वो जो फ्लूइड दे आती है वो बेसिकली वो वाली फ्लूइड उन लोगों के सिगमुंडस के बेस में जो टाइम मशीन है उसका टाइम ब्रिज है उसका बेसिकली बिल्डिंग के लिए जो मेन ब्लॉक है वो बन जाता है, एंड नाउ दे कैन ट्रैवल इन टाइम यूजिंग दैट. सो नाउ दे विल इवेंचुअली गो अहेड एंड बिल्ड अ टाइम मशीन विद दैट एज वेल एज उन लोगों को थोड़ा धोखा भी दे देती है. नाउ इससे मैं एक और पैरेलल ले आना चाहता हूँ एडम और ईव के बारे में, क्योंकि एडम और ईव एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, एक दूसरे को कंटिन्यूसली चाल से एक दूसरे के अगेंस्ट चाल खेल रहे हैं एंड एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं. हम देख सकते हैं कि ईवा के वर्ल्ड में ईवा एडम के वर्ल्ड के जोनस को मैनिपुलेट करके अपना काम करवा रही है, ऑन द अदर हैंड एडम के वर्ल्ड में एडम ईवा के वर्ल्ड के मार्था को मैनिपुलेट करके अपना काम करवा रहा है. तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के एकदम यू नो परफेक्ट मैच है, एक दूसरे के अगेंस्ट एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं. सो अभी जोनस फाइनली मार्था को टाइम ट्रेवल के एग्जिस्टेंस के बारे में समझाने के लिए टनल में ले जाता है, एंड इवेंचुअली वो फ्यूचर सॉर्ट ऑफ बैरन एक डिजर्टेड लैंड में निकलते हैं, केव से जब निकलते हैं, एंड वहाँ पर वो लोग एक वुमेन को देखते हैं जो वेलकम टू द फ्यूचर कहता है उन लोगों को. सो बेसिकली वो वुमेन ऑब्वियसली वी थिंक इज अ ओल्डर वर्जन ऑफ मार्था बट नॉट एज ओल्ड एज ईवा, तो मिडिल एज वर्जन ऑफ मार्था, करीब करीब स्ट्रेंजर जोनस का जो एज है उस करीब का मार्था को हम देखते हैं. और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, क्योंकि अगले एपिसोड में हमें शायद और ज्यादा पता चलने वाला है इस मार्था से. नाउ मैं आपको बता दूं एक चीज जो वियर्ड है कि इस दुनिया में एपोकलिप्स इतने जल्दी क्यों हो रहा है, आई मीन नवंबर 8, 2019. वेल आई थिंक इसका एक रीजन ये है कि इस दुनिया में मैट्स के मिलने के बाद ही हम देखते हैं कि हेल्गे जाके कन्फेस कर लेता है. इन सब इंसिडेंट से शायद वो लोग टाइम ट्रेवल बहुत ही पहले टाइम ट्रेवल के बारे में जान लेते हैं, एंड इवेंचुअली दैट एवरीथिंग हैपेंस बिफोर, तो शायद यही एक रीजन है कि टाइम ट्रेवल थोड़ा पहले शुरू हो जाता है. ऑल्सो हम देखते हैं मार्था सिर्फ पास्ट में एक वो पॉट छोड़ने के लिए नहीं गई थी, उसने एक और काम हासिल कर लिया था इसमें, दैट इज जोनस और बार्टर्स के बीच एक डिवाइड या फिर एक कश्मकश की शुरुआत की थी जो इवेंचुअली फ्यूचर में जाके कोई और बिगर शेप या फॉर्म लेने वाला है. एंड अनदर थिंग हम देखते हैं, जैसे एडम का एक ब्लाइंड फॉलोअर था नोआ, जो वो जो कहता था वही बिना किसी लॉजिक से मानता था, इवन इफ दैट इज क्राइम एंड दैट इज वर्स स्टफ, यहाँ पर हम देखते हैं ईवा का भी एक ऐसा ब्लाइंड फॉलोअर है और वही वो अननोन मैन है जो अपने चाइल्डहुड और ओल्ड एज के साथ एक साथ घूमता है टिगड़ी में, तो वो भी ऐसे ही उसे ब्लाइंडली फॉलो करता है. तो ऐसे बहुत सारे मैचेस हम देखने को मिलता है दो एपिसोड्स में. तो गाइस दैट्स वाज इट फॉर दिस वीडियो. नाउ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद हमारे चैनल में और वीडियोस हम लाने वाले हैं दैट विल बी डिटेलिंग ईच एंड एवरी एपिसोड ऑफ डार्क, एज वेल एज वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ रीमेड अपग्रेडेड फैमिली ट्री, क्योंकि सीजन 3 में और ज्यादा इंटरकनेक्शंस आ जाते हैं, जैसे आप दूसरे एपिसोड्स देखेंगे आपको पता चलेगा. एंड देन अगेन हम एक टाइमलाइन, फुल टाइमलाइन एक्सप्लेनेशन सीजन 1 से लेके सीजन 2-3 के सारे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को लेके, व्हाट द फक स्टॉप 10 थिंग्स यू मिस्ड, थियोरीज, सब कुछ के लिए अलग अलग वीडियोस, लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन डार्क. सिर्फ डार्क ही नहीं, हमारे चैनल में बहुत सारे नेटफ्लिक्स शोज के, साईफाई हो, हॉरर हो, रोमांस हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो, सबका हम रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेनेशंस और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं. और नेटफ्लिक्स के अलावा भी दूसरे जो इंडियन वेब सीरीज है, Amazon Prime के वेब सीरीज, ऑल्ड बालाजी के वेब सीरीज, MX Player के वेब सीरीज, बंगाली स्टफ फ्रॉम होई चोई एट द टाइम्स, एज वेल एज हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, इवन टॉलीवुड मूवीज का रिव्यूज, वी डू टॉप 10 लिस्ट एंड वी डू लॉट्स ऑफ स्टफ रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट. सो गाइज इफ यू लाइक टू गेट एंटरटेनमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड इस वीडियो को अच्छा लगा तो डू हिट द थम्स अप बटन डाउन देयर. कमेंट टू अस, आपको क्या लगा इस एपिसोड में, हमने कुछ मिस कर दिया, कुछ नोटेबल था जो हमने नहीं बताया, हमको अभी लेट अस नो. एंड व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स, वो भी हमको बताइए कमेंट में. एंड मैं आप